एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस की मदद से, और जो पहला तरीकाकार हम इस्तेमाल करेंगे वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। कॉफिशेंट लिखेंगे 2, 3, और यहाँ कॉफिशेंट है -2 और 2। वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं एक्स और वाई, और कांस्टेंट राइट साइड पर जो है वो है 4 और 6। अब हम इन मैट्रिसेस को पहचानने के लिए नाम देते हैं, तो लेट करते हैं A इज इक्वल टू 2, 3, -2, 2, कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स वाई, कैपिटल B इज इक्वल टू 4, 6। नाउ अब हम इन नामों की मदद से इस रिलेशन को लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। ए को हमने राइट साइड पर लेकर जाना है, मैट्रिसेस में डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए हम इनवर्स का अमल या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर मिलेगा आई। और आई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहां हमें ये रिलेशन मिल गया। अब सबसे पहला काम है हमने ए इनवर्स की वैल्यू मालूम कर, तो उसके लिए चेक करेंगे कि ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 2, 3, -2, 2, और इसको एक्सपेंड करते हैं, 2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -3 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, हमें हासिल हुआ 4 + 6, और फाइनल आंसर है 10। हेयर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो अगर ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो फिर हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट मालूम करते हैं, ए के डायगोनल एलिमेंट अपनी जगह तब्दील करेंगे और बाकी एलिमेंट अपनी अलामतों को तब्दील करेंगे। होल डिवाइडेड बाय, अब हम इसको पुट करते हैं 1 प्राइम में, तो x इक्वल टू 2 - 3, 2, 2 डिवाइडेड बाय 10 इनटू b की वैल्यू लिखते हैं 4, 6, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 4 - 8 + 2, 6 - 12, 3, 4 - 12 + 12, तो यहां हमें हासिल हुआ 20, और ये 10 डिवाइड हो जाएगा, और यहां 0 / 10। x की वैल्यू यहां से लिखते हैं एक्स वाई मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हमें हासिल हुआ 2, 0, तो एक्स की वैल्यू है 2 और वाई के सामने जो वैल्यू है वो है 0। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस की मदद से, तो सबसे पहला काम है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं,
तो यहाँ 2 और 6 और यहाँ से 1 और 5 वेरिएबल हैं x और y, और कांस्टेंट वैल्यू है 3 और 1। लेट करते हैं, a नाम देते हैं कॉफिशेंट का जो मैट्रिक्स है उसको, कैपिटल एक्स नाम देंगे वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है उसको, और बी नाम देंगे कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है उसको। नाउ अब हम इन नामों की मदद से इसको लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स और ए मिलकर आई बनाएंगे, और आई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक्स ही हासिल होगा, और ये है हमारा रिलेशन 1 प्राइम। अब हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं, 2615, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 × 5 -1 × 6, हमें हासिल हुआ 10, -6 आंसर मिला 4। तो आप लिखिए यहां पर ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां रखेंगे, तो एडजॉइंट ए का लिखते हैं 2 और 5 अपनी जगह तब्दील करेंगे, और 1 और 6 की अलामतें तब्दील हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 4। तो ये है ए इनवर्स, पुट करेंगे इन 1 प्राइम, तो एक्स इक्वल है 5 - 6 - 1 - 2 डिवाइडेड बाय 4 × 3 = 1, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 = 15 -1 × 1 = 6 × 3 = 18 और +2 होल डिवाइडेड बाय 4। यहां हमें मिला 14 और यहां -16 डिवाइडेड बाय 4। एक्स को लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, और यहां 14/4 -16/4, 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स वाई हमें हासिल हुआ 7 × 2 = 2 और -4। अब एक्स के सामने वैल्यू है 7/2 और वाई के सामने वैल्यू है -4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस की मदद से, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कॉफिशेंट लिखते हैं 3, 5, -2, -2, और वेरिएबल जो इस्तेमाल हुए हैं एक्स और वाई, और राइट साइड पर जो कांस्टेंट वैल्यू है -6 और -10। लेट करते हैं एक मैट्रिक्स जो है वो है 3, 5, -2, -2, मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू
एक्स वाई मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस टेन। नाउ इन नामों की मदद से इस रिलेशन को लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ए राइट साइड पर चला जाए, तो यहां हमें आई हासिल हुआ और आई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती और ये हमारा रिलेशन है वन प्राइम। अब हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं, थ्री फाइव माइनस टू माइनस टू, और इसको एक्सपेंड करते हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, हमें हासिल हुआ माइनस सिक्स और प्लस टेन और फाइनल आंसर है फोर। हेयर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए इनवर्स। वैल्यू पुट करते हैं, एडजॉइंट की वैल्यू लिखते हैं, डायगोनल एलिमेंट जगह तब्दील करेंगे और बाकी एलिमेंट अलामतें तब्दील करेंगे। पुट इन वन प्राइम, x इज इक्वल टू माइनस टू माइनस फाइव टू थ्री डिवाइडेड बाय फोर इन टू b की वैल्यू लिखते हैं माइनस सिक्स माइनस टेन। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टू माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व माइनस टू टेन द ट्वेंटी फाइव सिक्स द थर्टी और थ्री टेन द थर्टी होल डिवाइडेड बाय फोर। सिंप्लीफाई करके लिखा माइनस एट जीरो होल डिवाइडेड बाय फोर और एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एट ओवर फोर जीरो ओवर फोर। तो एक्स वाई की वैल्यू हमें मैट्रिक्स फॉर्म में मिली माइनस टू जीरो, एक्स के सामने है माइनस टू जबकि वाई के सामने वैल्यू है जीरो। गिवन इक्वेशन को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इनको, थ्री माइनस सिक्स माइनस टू फोर वेरिएबल एक्स वाई इज इक्वल टू फोर सेवन। हेयर ए नाम देते हैं, थ्री माइनस सिक्स माइनस टू फोर मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, कैपिटल एक्स नाम देते हैं वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है और कैपिटल बी नाम देंगे कांस्टेंट नंबर्स का जो मैट्रिक्स है। नाउ इन नामों की मदद से हम इस रिलेशन को लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां हमें आई हासिल हुआ और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वन प्राइम। अब हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करेंगे,
थ्री माइनस टू माइनस सिक्स फोर, तो थ्री मल्टीप्लाई हुआ फोर से माइनस, माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ माइनस सिक्स से, हमें ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व आंसर मिला जीरो। हेयर ए इनवर्स इक्वल टू जीरो, सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज नॉट पॉसिबल। दी गई इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 2, एक्स वाई वेरिएबल का मैट्रिक्स है और कांस्टेंट है 4 माइनस 10। लेट करते हैं ए इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस टू माइनस टू, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, कैपिटल बी इज इक्वल टू 4 माइनस 10। नाउ इन नामों की मदद से इस रिलेशन को लिखते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पर हमें आई हासिल हुआ, और यहां पर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ये हमारी इक्वेशन वन प्राइम है। अब हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं। 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 एक्सपेंड करेंगे तो 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 से। हमें मिला माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14। हेयर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिली, एडजॉइंट लिखते हैं माइनस टू टू और टू फाइव डिवाइडेड बाय 14 विद नेगेटिव साइन, पुट करेंगे इन वन प्राइम, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस टू टू फाइव टू होल डिवाइडेड बाय 14 विद नेगेटिव साइन इनटू 4 माइनस 10, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस टू फोर द माइनस एट, माइनस 20, फाइव फोर द 20 और माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय माइनस 14। हमें यहां हासिल हुआ माइनस 28 और जीरो। x को लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में और मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे 14 से। तो यहां हासिल हो गया 2
और जीरो। तो एक्स के सामने वैल्यू है टू और वाई के सामने वाली वैल्यू है जीरो। क्वेश्चन नंबर वन और फर्स्ट पार्ट है, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हमने क्रेमर रूल के तहत मालूम करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां टू थ्री माइनस टू टू वेरिएबल एक्स वाई और कांस्टेंट फोर सिक्स। लेट करते हैं ए टू थ्री माइनस टू टू कैपिटल एक्स एक्स वाई और कैपिटल बी फोर सिक्स। यहां पर हम पहले ए का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, तो टू थ्री माइनस टू टू एक्सपेंड करेंगे टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू माइनस टू, तो हमें हासिल हुआ फोर प्लस सिक्स, फाइनल आंसर है टेन। हेयर ए इनवर्स नॉट इक्वल टू जीरो। सो अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए एक्स एक्स वाले जो वेरिएबल हैं उनके लिए। इस मैट्रिक्स में जो ए मैट्रिक्स है आपका, उसके पहले कॉलम यानी एक्स वाली वैल्यूज को चेंज कर देंगे बी मैट्रिक्स वाली वैल्यू से, फोर सिक्स माइनस टू टू, और ए वाई दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें वाई वाली जो वैल्यूज हैं उसको बी की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा, टू थ्री फोर सिक्स। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। तो ए एक्स डिटरमिनेंट इक्वल है फोर सिक्स माइनस टू टू, एक्सपेंड करेंगे फोर इंटू टू माइनस टू सिक्स इंटू माइनस टू, तो एट प्लस ट्वेल्व और हमें हासिल हुआ ट्वेंटी। ए वाई का डिटरमिनेंट जब मालूम करेंगे तो यहाँ टू थ्री फोर और सिक्स, एक्सपेंड करेंगे टू इंटू सिक्स माइनस थ्री इंटू फोर, तो यहाँ ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व हमें हासिल हुआ जीरो। नाउ एक्स की वैल्यू ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टेन आंसर मिला टू, और y की वैल्यू है a y डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 ओवर 10, आंसर मिला 0। तो x और y की वैल्यू हमने मालूम कर ली। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, दी गई इक्वेशंस को का सॉल्यूशन सेट हमने मालूम करना है क्रेमर रूल की मदद से। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, टू सिक्स वन फाइव वेरिएबल एक्स वाई कांस्टेंट थ्री वन। हेयर ए मैट्रिक्स है
2615 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1। अब हम ए का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। नाउ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 2615 और एक्सपेंड करते हैं। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल है 2 × 5 माइनस 6 × 1, फाइनल मिला 10 − 6। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 4। हेयर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो अब हम ए एक्स एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिसमें एक्स के जो कोफिशेंट हैं उनकी जगह बी के एलिमेंट रखे जाएंगे। तो 3 1 1 5 और इसी तरह ए वाई इज इक्वल टू 2 6 और 3 1। नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं। 3 1 1 5 इक्वल टू 3 × 5 माइनस 1 × 1, हमें हासिल हुआ 15 − 1 = 14। और ए वाई डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं 2 6 3 1, एक्सपेंड करेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, हमें हासिल हुआ 2 − 18 और फाइनल आंसर −16। सो एक्स की वैल्यू ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, तो ए एक्स की वैल्यू है 14/4, सिंप्लीफाई करने से 7/2 हासिल हुआ। और वाई की वैल्यू है ए वाई डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट डिवाइड किया तो मिला −16/4 −4। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम हो गई। दी गई इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है क्रैमर रूल की मदद से। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 4 3 2 − 1, एक्स वाई इक्वल टू 8 − 1। लेट किया ए की वैल्यू 4 3 2 − 1 और बी की वैल्यू हमारे पास है 8 − 1। नाउ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं 4 3 − 1 2 और एक्सपेंड करेंगे 4 × −1 −2 × 3, मिला −4 − 6, फाइनल आंसर −10। हेयर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो ए एक्स नाम का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले कॉलम को चेंज करेंगे बी के एलिमेंट से और इसी तरह ए वाई तो हम दूसरे कॉलम के एलिमेंट को चेंज करेंगे बी के एलिमेंट्स के साथ। अब हम ए एक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं 8 − 1 2 − 1, तो 8 × −1 −2 × −1,
तो हमें हासिल हुआ -8 + 2, फाइनल आंसर -6। उसके बाद ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो 4 3 8 -1 एक्सपेंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -4 - 24, फाइनल आंसर मिला -28। नाउ एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो -6/-28, 3 2 और 14 2, और वाई की वैल्यू मिलेगी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो -28 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ गलती से 28 लिखा गया है, मैं इसको दुरुस्त कर रहा हूँ। तो सिंप्लीफाई करने से 14/5, तो एक्स और वाई की वैल्यू मालूम हो चुकी है। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और 6th पार्ट है। क्रैमर रूल की मदद से हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो 4 - 3 1 - 1, एक्स वाई 9 - 5, लेट करते हैं ए 4 - 3 1 - 1, कैपिटल बी 9 - 5। नाउ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं, 4 - 3 1 - 1, तो यहां हमें हासिल हुआ 4 - -1 -1 - -3, हमें -4 + 3 और -1। हेयर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो ए एक्स मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो पहले कॉलम को चेंज कर देंगे बी की वैल्यूज के साथ और ए वाई, तो दूसरे कॉलम को चेंज करेंगे ए के बी की वैल्यूज के साथ। अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं, 9 - 5 1 - 1, तो 9 - -1 - 1 - 5, तो हमें मिला यहां पे ए एक्स डिटर्मिनेंट -9 + 5 और फाइनल आंसर हुआ -4। ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू मालूम करते हैं, 4 - 3 9 - 5, हमें हासिल हुआ 4 - -5 - 9 - 3, वैल्यू मिली -20 + 27 और 7। नाउ एक्स की वैल्यू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट से हासिल होगी, तो -4 - -1 आंसर मिला 4, और वाई की वैल्यू
ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट से हासिल होगी। तो हमें हासिल हुआ 7 over -1 -7। एक्स और वाई की वैल्यू हमने मालूम कर। डियर स्टूडेंट्स, 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन ज़्यादातर सवालात हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है और आप खुद भी इनमें से कुछ सवालात को हल कर सकते हैं।